जिले में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार से भट्टों को तोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया गया। उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा सबसे पहले करौंदी में संचालित अवैध ईंट भट्टों पर गाज गिराया गया। जेसीबी के माध्यम से ईंट भट्टा को तोड़ने का कार्य आरंभ हुआ। जिले में कुल 64 अवैध ईंट भट्टा संचालित है जिसके पास पर्यावरण प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है। पहले वैसे ही ईंट भट्टों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि गुमला जिला का अधिकांश क्षेत्र वन्य प्राणी आश्रणी में आता है, जहां किसी तरह का अवैध उत्खनन क्रशर व ईंट भट्टों के संचालन पर प्रतिबंध है, लेकिन वर्षों से ईंट भट्टा व क्रशर संचालक सेटिंग गेटिंग कर जिले में इसे संचालित कर मालामाल होते रहे हैं और कई अधिकारी भी अवैध ईंट भट्टों व क्रशर के संचालन से अपनी जेब गर्म करते रहे हैं। पहली बार उपायुक्त सुशांत गौरव ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है और अवैध ईंट भट्टों को तोड़ने का आदेश दिया है। बुधवार को एसडीओ रवि आनंद, जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, थाना प्रभारी विनोद कुमार व श्रम अधीक्षक एतवारी महतो की देखरेख में अवैध ईंट भट्टों को तोड़ने का कार्य आरंभ हुआ। एसडीओ रवि आनंद ने बताया कि जिले में लगभग 64 ईंट भट्टे हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं और उनके पास इसकी पेपर नहीं है। आज से अनलिक चलने वाले ऐसी सभी ईंट भट्टों को तोड़ने का कार्य आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि ईंट भट्टों के बाद जिले में अवैध रूप से संचालित सभी क्रशरों को भी तोड़ा जाएगा। अभी हम लोग जहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, ये ईंट भट्टा पालकोट वन्य सरणी के अंतर्गत ग्राम करौंदी में है। यहाँ पर भट्टा चलाना नियम के तहत मना है। कार्रवाई के बावजूद भी लोग चला रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पर आए। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में और जो भी भट्टे हैं जो अवैध हैं, उनका जांच पड़ताल कर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए। सुनई में 5 भट्टे हैं, जिस पर पहला भट्टा पर आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 4 भट्टे हैं जिस पर आगे कार्रवाई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।